कहाँ गई है, पानी देखने आई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं जा पाएंगे हम शूट करने। मोटू, ओ मोटू कहाँ है? हमारे पास तो नहीं है, इधर नहीं है। मौसम हो गया है बहुत ही गंदे वाला मौसम, मतलब ऐसा कि नहीं जा सकते कहीं पर भी। हम सोच रहे थे बाइक लेके जाएंगे मगर नॉट पॉसिबल। ये देखो फुल फॉगी फॉगी हो गया है और बारिश भी किसी टाइम पे भी पड़ सकती है, किसी टाइम पे। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा। मत है बंदर था नीचे, फिर मैं वापस आ गई ऊपर। कहाँ था? कहाँ था बेटा? मैं बहुत कोशिश की उसको भगाने के, मेरे पास फोन भी नहीं था। फिर मैं वापस चली गई ऊपर। मैं ऊपर ना आता तो तू ऊपर ही रहती। मुझे तो आवाज आई, मुझे लगा गिर गई। गीली भी नहीं हुई। मुझे आवाज आई, मुझे लगा बंदर को डरा रही थी। मुझे लगा छुटकी गिर गई आज। फिर अब कैसे जाएंगे? चल पहले कुछ खा लें। यहाँ बैठा हुआ था गधा। रहता रहता और कुछ नहीं। कैसे खाते हैं इसको बता तो दो। गुस्से में क्यों है तू आज इतनी? अच्छा जी, फ्राई क्यों किया? फिर ऐसे डाल देती उसको? ऐसे भी खाते हैं, डिप करके खाओगे ना तो ज़्यादा मजा आता है। अभी देखने जो भी सॉफ्ट। ये चाकुली है, ये दूध है, इसमें दूध में हमने इसको डिप कर दिया। पाँच अभी इतना सॉफ्ट हो जाएगा एंड इट विल बी सो टेस्टी। इग्नोर करते हैं ऐसी चीजें। mm. मजा आ गया मेरे को तो, ऐसी मजा आ रहा। बस यार तने एक बोला था तूने करने को। तने तने बोला था ना? तने तूने बोला, मैंने एक बोला था करने को, एक हो गया। अब मैं दोबारा नहीं करूंगी फ्राई। जब पूछती हूँ तो बहुत बता देना चाहिए कितना खाना है। अब देखो फाइनली हम लोगों ने अपना जो लव स्टोरी वाला व्लॉग है ना वो हम लोगों ने शूट कर लिया है और हम लोग पहुंच गए हैं गुगनू दा ढाबा।
यहाँ पे जाते टाइम हमने लंच भी किया था, मगर उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्लिक ही नहीं हुआ कि मेरे को ये भी शूट कर लेना चाहिए। चश्मा पहन लेता हूँ क्योंकि बिना चश्मे के ना मैं स्मार्ट नहीं लग रहा आज। भाई साहब आप जब भी आओ मशोबरा नालदेरा वाले रोड पे घुगनू का ढाबा है, जब आप नालदेरा की तरफ जाते हो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है आपको। पहले भी हम रुके हुए हैं यहाँ पे कन्नी के साथ जब मैं नालदेरा शूट करने आया था, और आज भी मज़ेदार लोकेशन है। और ये देखो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बरस जाएगा। क्या लगता तेरे को, तेरे को क्या लगता बरसेगा शिमला में? तो बरसेगा, यहाँ बताना। यहाँ पे भी बरसेगा, काले बादल हो रखे हैं। और ये देखो गाय भी है भाई नीचे रखी हुई। गांव है यार ये, गांव है, लिटरली गांव है। वो सामने मेरे ख्याल से स्कूल वगैरह होगा कुछ। देखो खेत में बैठी है अकेले, मस्त मजा आ रहा है। बहुत ही बढ़िया जगह, चाय पीते हैं। शूट हमने कर दिया है पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड भी आएगा बहुत जल्द। मगर हम प्लान कर रहे हैं कि हम हर ट्यूसडे को शूट किया करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाके, जहाँ जहाँ हम लोग जाया करते थे। मज़ा आने वाला है। चाय इतनी जबरदस्त है ना, ना मीठा ज्यादा है ना कम है, मस्त बिल्कुल। हाँ मैंने रखी थी वो ताकि मैं पानी पी लूं। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। फाइनली हम लोगों ने कल अपना जो लव स्टोरी वाला फर्स्ट एपिसोड है वो टेलीकास्ट कर दिया है। टेलीकास्ट, वाओ टेलीकास्ट, ये वर्ड कितने दिन बाद यूज कर रहा हूँ मैं। और मैं वर्कआउट करके भी वापस आ चुका हूँ, बहुत ही अच्छा अच्छा फील हो रहा है। सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, आज मुझे 16 दिन हो गए हैं, 16 डेज रेगुलरली मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ। बस एक दिन छुट्टी करी थी जिस दिन हम चंडीगढ़ गए हुए थे, बस बाकी नो छुट्टी, चाहे बारिश हो चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो। और मैं आपको सबूत दे दूँ, ये देखो जो ये सूख रहा है ना, ये आज गलती से मैं बाइक ले गया, सोचा था हीरो बनूंगा, मगर ये देखो ऐसे में क्या ही हीरो बनेगा कोई। ये देखो ये मेरी विंडशीटर सूख रही है यहाँ पर, ये देखो ये जूते सूख रहे हैं। मौसम बहुत ही खतरनाक मज़ेदार वाला, मतलब ये ऐसा मौसम हो रखा है कि मशोबरा नालदेरा कुफरी आराम से चिल आउट हो सकता है, बढ़िया वाला। शिमला में लॉन्ड्री रूम होना बहुत जरूरी है हर एक घर में भैया। हाँ मेरी बेगम ने बोला, मैं तो ये बोला ही नहीं, मैं नहीं लेता कभी भी कंटेंट का वो क्रेडिट। चला गई इंसान, केला खाते खाते। तेरे को पता है जो वो है द हिमाचली पॉडकास्ट, उस किसका पॉडकास्ट आ रहा है? किसका? सोच किसका? तेरा? किसका? मुझे क्या पता, रजत एंड ज्योति का। वो चले गए फॉर द फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट के लिए। हाँ। तू हंस क्यों रहा है? मैं उस बंदे के ऊपर थोड़ा ऐसा हो रहा हूँ कि भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो बंदा। वो कौन? चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश गया था। वही तो मैं कह रहा हूँ। जब आएंगे शायद भी उसके। हाँ, जबकि वो भी क्या नाम है जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे हमारे। हाँ, अनुराग ठाकुर, अनुराग कश्यप डायरेक्टर है मूवीज का, अनुराग ठाकुर। इसको मत करना यार। ओ यार क्यों? ले मौसम ने करवट ऐसी बदली है ना कि मेरा ना अच्छा खासा गर्म पानी में नहाने का मन कर रहा था, अब मेरा नहाने का ही नहीं मन कर रहा। यार ऐसे मौसम में तो मन करता बेड में घुस जाओ। सच में मेरा ऐसा मन कर रहा है ना कि मैं बस
गरम गरम कॉफी बनाऊं और कंबल में लेट के नेटफ्लिक्स देखूं, क्या करूं? जाना तो पड़ेगा, बारिश बड़ी तेज हो रही है। बस दुआ यही है कि पावर कट मत लगे संजौली में। बस बकवास कर दी ना या ऐसी बारिश हो रही है ना, और इस बारिश में तो ना बंदा बीमार हो ही जाएगा। मैं बता रहा हूँ, बहुत ही तगड़ी बारिश हो रही है। मन तो कर रहा है जट एंड जूलियट 3 देखा हूँ। मगर फिर बाद में विपुल का वो मायूस चेहरा दिखेगा मुझे के सालों, तुम लोगों को पता भी था कि मैं पार्टी में गया हूँ, फिर भी है ना चिंटू ने कहना तुम लोगों को पता था कि मैं पार्टी में गया हूँ फिर भी तुम गायब हो गए। वो हवा निकल गई बंदे की, मतलब गाड़ी की। क्या मौसम हो रखा है गाइस, ये देखो जमे ही काला। ओहो सड़क बन गई शीशा, बगीरा धुल गई हमारी। क्या हाल है भैया जी? थार के अंदर पानी कहाँ से आ गया? ये पानी कहाँ आ गया इसमें? देख ये क्या कम थोड़ी ना, इतना पानी कहाँ से आ गया इसमें? अब कपड़ा है इसमें, पीछे पड़ा टावल एक। यार कसम से पानी कैसे आ गया इसके अंदर? खिड़की तो नहीं खुली रहेगी यार, लग तो नहीं रहा मुझे खिड़की खुली रहेगी होगी। और अगर यहाँ आया है मुकुल तो सीट पे भी होना चाहिए, सीट पे तो नहीं है। हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये टावल क्या बोलना था, ये पानी कहाँ से आ गया यार? मुस्कुरा रही है तू? ये नहीं बोलती कि नई थार ले लो? नहीं समझ में आ रहा है कि ये आया कहाँ से है, इधर तो कहीं पानी पूनी है ही नहीं, कहाँ से आ रहा है ये? रब जाने अब कहाँ से आया। ओहो आप क्या सोच रहे हो कि मैं स्लीपर्स में क्यों जा रहा हूँ? बारिश है भाई जी, गिल्ले क्रॉक्स भी भिगा दिए इसने। सुबह गया था मैं वर्कआउट करने, वहां पे मेरे क्रॉक्स भी गिल्ले हो गए सारे। उठाना बिल्कुल है सारे के सारे क्रॉक्स भी। हेलो हेलो, हाँ ऑन द वे, ऑन द वे। थार के अंदर पानी बहुत इकट्ठा, पानी इकट्ठा हो रखा थार में। थार में पानी इकट्ठा, हाँ नीचे पैरों के पास। चल कोई नहीं आ जाती देखने। क्लाइंट आ गया? हाँ बस अभी पहुंची है, आ जाती कोई नहीं। ठीक है प्रिंटर ऑन कर दे, दिया होगा इसने। टैटू का क्लाइंट आ चुका है हमारे पास और जट एंड जूलियट 3 कैंसिल है। सलोन पहुंचते हैं फटाफट और जाके देखते हैं जरा कि क्या टैटू चाहिए क्लाइंट को। अरे यार बस ये भगवान लाइट ना जाए, प्रिंट आउट निकाल लूं मैं उसके बाद चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सुहावना मौसम हुआ हुआ है, ये इंडिकेटर पहुंचे। मौसम देखो कितना बेईमान हो रखा है, ये हो रखा डेटिंग वाला मौसम, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, पता नहीं ऐसे तैयार होके आए हैं जैसे मूवी देखने जा रहे हो। मम्मी मम्मी मैं सलोन जा रहा हूँ। जबरदस्त मौसम वैसे कैसा होता है ना मुकुल, जब हमारे को लिबर्टी होती है ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं,
बंक करके उल्टा ही चल रहा होता है ना। और अब हमारे को कोई टोकने टोकने वाला नहीं है तो हमारे, पर उस टाइम पे समझ नहीं होती ना, समझ होती तो शायद बात कुछ और होती, पर ये है कि वक्त के साथ साथ बंदे को पता चलता है कि एक्चुअल में क्या सही है और क्या गलत है। पर ठीक है, मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो एंजॉय करो मोमेंट को मस्त होके। कोई पता नहीं तुम्हारा क्या पता शायद शाम तक कोई शायद तुम्हारा दरवाजा खुल जाए। नहीं दोबारा लगाओ यार, मुकुल इतना भारी है। ऐसी थोड़ी ना, इसको थार बोलते हैं। थार नाम देख ले क्या रखा है। थार, थार डेजर्ट से इंस्पायर्ड होके। पता तेरे को? मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी तुक्का ही मारा। आपको पता है कि महिंद्रा थार ने इसका नाम थार क्यों रखा है? है कोई भाई इंफॉर्मेटिव वाला बंदा जिसको पता है? नहीं होता है, ऐसे थोड़ी ना रख देते हैं। तुम्हारा नाम क्यों मुकुल? मेरा नाम मुकुल इसलिए है क्योंकि मैं फूल की कली था। हाँ, था लगता हाँ। है तुम्हें तुम थे। अभी मैं फुल ऑन कैक्टस बन चुका हूँ। हमारे पीछे पीछे एम्बुलेंस आ रही है, मुझे ये नहीं पता कि इसमें इमरजेंसी वाला कोई बंदा है कि नहीं है, पर फिर भी हम साइड दे देंगे इनको। आया चले जा, मेरी ब्रेक के लगवा दी इसने, मेरा मोशन तोड़वा दिया। साइड दे तो रहा था मैं, चले जाते। कुलचे वाला भी नहीं आया हुआ आज बेचारा। जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया कि हम लोग डेली व्लॉग्स तो बनाएंगे बनाएंगे और डालेंगे भी डालेंगे, मगर और मंगलवार को हम लोग करा करेंगे शूट अपना लव स्टोरी का। एक एपिसोड तो हम लोगों ने कल डाल दिया है और बट आपको ये वाला व्लॉग तो अगले दिन ही दिखेगा ना, मतलब जिस दिन मैं ये शूट कर रहा हूँ उस दिन मैंने सुबह वो डाल दिया है। अब वेट हो रही है, अब वेट हो रही है कमिंग ट्यूसडे की। लोकेशन क्या होने वाली है, लोकेशन भी आपको पता चली जाएगी जब हम लोग उसको दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा। ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे मैं बताऊंगा भी नहीं कि क्या लोकेशन है। ठीक है जी, सलोन पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं क्लाइंट से, फिर देखते हैं कि क्या टैटू है। सब कुछ धुंधला है, धुंधला है, धुंधला है, धुंधला। हमने सोचा था बारिश है, सारे लोग गाड़ी लेके गए होंगे ऑफिस, मुझे लग रहा बंदे ऑफिस ही नहीं गए आज, इतनी ऊपर आगे लगानी पड़ रही है गाड़ी। अरे यार, एक आपको ज्ञान की बात बताता हूँ, एक तो ना हेलो ज्ञान की बात बताता हूँ। पहाड़ों में ना जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो गाड़ी में स्पेशली, लाउड म्यूजिक कभी ना लगाएं क्योंकि आपको मोड पे पता नहीं चलेगा कि किस बंदे ने क्या हॉर्न मारा है। ये देखिए कहाँ खड़ी है हमारी लड्डो रानी जंगलों के बीच में, क्या लग रही है, वाह अपनी है ना, ऊपर से पेड़ को भी लगेगा, पेड़ नहीं गिरेगा पक्का। शुभ शुभ बोला कर, तू ऐसे मत बोला कर। लग तो बड़ी अच्छी रही थी वैसे हम कल, है ना दोनों। हाँ। भाई साहब शुक्र है, किस्मत थी हमारी कि कल हमने वो शूट कर लिया, है ना। मौसम खराब है क्योंकि अब एक हफ्ता प्रेडिक्शन ऐसी है कि डेली बारिश है। कहाँ, जहाँ पे हमने नेक्स्ट लोकेशन सोची है वहाँ तो शूट हो ही जाएगा, नहीं भी होगा तो हम इंडोर कर लेंगे कहीं। मगर आपके भी नाक में खारिश होती है क्या जब बारिश होती है? मेरे बहुत होती है, इसलिए बकवास ब्लॉग होते हैं ये। अब मैं कोई नॉर्मल बात ही तो करूँगा, जो मेरे को नाक में खारिश हो रही है मैं बोलूँगा नहीं, नॉर्मल ब्लॉग ही तो है ये। ब्लॉग का मतलब ही यही होता है भाई।
पागल ही था, पता है मैं तो बहुत पागल हो गया या था, मुझे प्रिटेंड कर रहा था कि नहीं मैं ऐसा नहीं। मेरी जिंदगी में ना बसूड़ियाँ बहुत थी, कट के बाहर मारी। लोग बोलते कि भाई इसने निकाला, इसने ये किया, इसने वो किया, किया भाई मैंने नहीं किया, बहुत शातिर इंसान हूँ मैं। मुकुल मत कर यार। बहुत ज्यादा शातिर, और ऊपर से 18.5 लाख भी दिए। इतना शातिर हूँ मैं। 18.5 क्यों बोल रहा है तू, 20 कर देना राउंड ऑफ करके। ये भी है वैसे, 35 भी बोल सकता था मैं। जन्मदिन मुबारक हो आपको। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? कहाँ जा रहे हो तुम इतनी बारिश में घूमने? मत बोलो, अभी हमें 4 बजे आइनिंग करा के क्या फायदा होगा? 4 बजे को वापस पहुँचते हैं। चलो जी फिर चलते हैं, घर पहुंचते हैं। मौसम मुझे ऐसा लग रहा है कि रात को भी तगड़ी बारिश पड़ने वाली है। आज का ये ब्लॉग हमारा BTS ही था, बिहाइंड द सीन्स। कुछ पार्ट हमारा BTS था, कुछ मेरा आज का था रूटीन। आज हमने एक टैटू किया, मगर गलती ये होगी कि सारी की सारी वीडियो हमारी हाइपर लैप्स में बन गई। घर पहुँचते हैं, अभी मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। मौसम ऐसा हो गया ना फॉगी फॉगी, और इस मौसम में ना देखने को बहुत अच्छा लगता है नीचे प्लेन्स की जो गर्मी है, उससे थोड़ी सी राहत मिलती है अगर आप शिमला घूमने आते हो। मगर जो 24 घंटे इसी मौसम में है ना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। भाई साहब गाड़ी में ना लाइट ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब आएगी। आप एक दिन थार चला लोगे ना अगर, फिर उसके बाद अगले दिन अगर आप छोटी गाड़ी चलाओगे तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है, बहुत अजीब। तुम्हारा सही है, पड़ोसी क्या बोल देंगे, सुबह पत्ती घुमारा होता है ब्लेंडर, रात को पत्री घुमारी है। सुबह मैं सत्तू शेक बना रहा होता हूँ, और यहाँ पे अभी ये चटनी बना रही है पुदीने की। वाह यार, किचन तो गंदी होती है हमारी, हम सारा दिन घर में थोड़ी रहते हैं, बेले थोड़ी हम, काम पे जाते हैं हम। वाह इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। चप्पल पहनो तुम, मतलब उसी चप्पल से मारूंगी, मैं कोई बता दिया उन्हें। कैमरे में नहीं बोलना पड़ता ये सारी चीजें, लिपस्टिक तो डाले थे ये बता दिया, मैं बता दिया अगले डालना पूरा।